हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, यूपी का नेशनल हेल्थ मिशन में एक वैकेंसी आई है जिसमें 56 की सीटें हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो इस फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना, क्या नोटिफिकेशन है, ये सारी बातों को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन को देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट आया है इसे पब्लिश किया गया है जागरण जोश, आप यहाँ देख सकते हैं। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन जो यूपी है, यूपी रिक्वायरमेंट 2018-19 नोटिफिकेशन इशू फॉर 10,158 पैरामेडिकल वैकेंसी, पैरामेडिकल पे वैकेंसी के लिए आया है दोस्तों। और देख सकते हैं ये जो पब्लिश किया गया अभी मात्र ओनली 13 घंटा पहले ही इसे पब्लिश किया गया इस आर्टिकल को। नीचे आते हैं दोस्तों, तो इससे रिलेटेड सारी बातें को बताया गया, चलिए मैं वो देख लेता हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसका नोटिफिकेशन और उस फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है मैं उस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप वो वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है जो नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM उत्तर प्रदेश हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 10,158 स्टाफ नर्स, ANM, GNM, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, OTP टेक्नीशियन, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट एंड द अदर पोस्ट। तो दोस्तों, इतने सारे बेस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आ रही है जिसमें टोटल 10,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू द पोस्ट थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट NHM UP, जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट जो यूपी का NHM है, और बिफोर द 7 जनवरी 2019 7 जनवरी 2019 से पहले आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों, तो पूरी डिटेल्स बताया जा रहा है। NHM UP 2018-19 नोटिफिकेशन फॉर 10,000+ वैकेंसी इशू थ्रू द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक जागरण न्यूज़पेपर इन 16 दिसंबर यानी कि दोस्तों आज ही से पब्लिश किया गया आर्टिकल में। अकॉर्डिंग टू विच द एप्लीकेशन प्रोसेस हैज बीन शेड्यूल्ड टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द 18 दिसंबर। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन इसे ऑफिशियल लाया जाएगा 18 दिसंबर यानी कि 18 दिसंबर से। The eligible candidates can be allowed to complete the online registration process of NHM UP, ठीक है, जो paramedical vacancies होगा till 7 जनवरी यानी कि आज 7 जनवरी तक इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। स्टार्ट डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 18 दिसंबर, 18 दिसंबर से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी 12:00 से। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो है 7 जनवरी 2019 तक यानी कि 12:00 तक। नीचे आते हैं दोस्तों, तो पूरा दे सकते हैं वैकेंसी को पूरे डिटेल से बताया गया है कि कितना वैकेंसी है, किस पोस्ट में कितना सैलरी है और कितना पोस्ट कोड किया है। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, पोजिशन नेम यानी कि आप किस पोस्ट में हैं, किस पोस्ट का है, और पोजिशन कोड यानी कि दोस्तों जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको ये पोजिशन कोड डालना होगा, क्योंकि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको यही कोड मांगा जाएगा दोस्तों। तो ये कोड आपको वहाँ डालना होगा। इधर आते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं टोटल वैकेंसी नंबर कितना है, और इधर है सैलरी, उस वैकेंसी का कितना सैलरी है। चलिए दोस्तों, सारे को देख लेता हूँ सभी वेरियस पोस्ट के लिए। तो पहला है दोस्तों ANM, जिसमें पोजिशन कोस्ट है ANM MH है, और जो टोटल वैकेंसी इसमें टोटल है तो 7,199 वैकेंसी है टोटल दोस्तों ANM में, और इसका जो सैलरी है 12,000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो स्टाफ नर्स, जिसका आप देख सकते हैं ये रहा जो उसका कोड है, और इसमें टोटल वैकेंसी है 1,126, और इसका जो सैलरी है दोस्तों अच्छा खासा स्मार्ट सैलरी है, 20,000 से ज़्यादा सैलरी है। नीचे आते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं OT टेक्नीशियन का ये कोड आप देख सकते हैं ये रहा, और इसमें टोटल वैकेंसी है 286, और इसका भी है जो सैलरी है 20,000 है दोस्तों, जो अच्छा खासा एक स्मार्ट सैलरी है। नीचे आते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट देख सकते हैं स्टाफ नर्स, जिसका कोड ये है दोस्तों, देख लीजिएगा इस तरह से दोस्तों, देख लीजिएगा लैब टेक्नीशियन का है, फिर से स्टाफ नर्स का है, और नीचे आते हैं दोस्तों तो और भी है बहुत सारा है, ये पूरे वेरियस पोस्टों के लिए दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों टोटल 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 टोटल दोस्तों 27 वेरियस पोस्ट में ये बटा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से टोटल जो वैकेंसी था 10,158 यहाँ पर दिखा दिया गया है, जिस जो वेरियस पोस्ट यानी कि टोटल 27 पोस्ट में
आया लाया गया इस वैकेंसी को, जहां पर टोटल है जो 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चलिए मैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पता करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, वहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पर साफ तरीके से कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे अपडेट किया जाएगा 18 दिसंबर को। NHM UP रिक्वायरमेंट 2018-19 10,000 समथिंग वैकेंसी अप्लाई लिंक टू एक्टिवेट फ्रॉम द 18 दिसंबर, यानी कि 18 दिसंबर को ये लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा और उसी दिन से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैं एडवांस में पहले ही बता रहा हूँ, ऑफिशियल वैकेंसी आने से मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये दैनिक जागरण ने अपने आर्टिकल में पब्लिश कर दिया है कि 18 दिसंबर को ये फाइनली ऑफिशियल वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही ये 18 दिसंबर को ऑफिशियल वैकेंसी आएगी आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों मैं जल्द ही उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर लाऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, कितना क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इस फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है, मैं उस वीडियो को पर्सनली बनाकर आप लोग को दे दूंगा। अगर आप दोस्तों वो वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लो। ओके दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से 5% भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इस तरह का अपडेट न्यूज बताने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।